लेकिन जब अंदर जाओगे लगेगा कि एक पुराना सा पुलिस गाड़ी में बैठा है। पुलिस गाड़ी का तो मालूम पड़ा था, पुलिस गाड़ी है। मैंने उठाया ना पुलिस गाड़ी। I am a devil on my way. Good morning, guys. देख पा रहे हैं आज बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आज? आज एक्चुअली हम शोरूम जा रहे हैं। शोरूम जा रहे हैं भाई के लिए गाड़ी देखने के लिए जा रहे हैं। और हमारा गाड़ी कहाँ तक आया है वो भी देखने के लिए जा रहे हैं। तो आज देखते हैं कुछ कंपैरिजन वगैरह कर सकते हैं कि नहीं, देखेंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे। और दो तीन शोरूम जाने का इरादा है। जैसे हमारा तो 700 डम ले रहे हैं और भाई के लिए थार देखने के लिए जा रहे हैं। थार बहुत दिन से थोड़ा दिमाग में था थार के लिए। और शायद टाटा का भी जाएंगे, सफारी वगैरह देख के आएंगे, सफारी हरियर वगैरह देख के आएंगे। चलो चलते हैं शोरूम में, जाके बात करते हैं। हम यहाँ पे रुके थे टिफिन करने के लिए। बढ़िया खाना है, फूड ऑन व्हील्स, फूड ऑन व्हील्स बहुत अच्छा था। भाई खा रहा है, मैं खा चुका हूँ, खा के वीडियो कर रहा हूँ। तो फिलहाल देख सकते हैं 10 हो चुका है, तो शोरूम भी खुल गया होगा। चलो शोरूम के पास चलते हैं और देखते हैं क्या हालत है हमारा गाड़ी का और भाई कौन सा गाड़ी ले रहा है। अच्छा एलजी मैं रिवील कर चुका हूँ, शायद थार ले रहा है। फिर भी हाँ डाउटफुल है, दो तीन शोरूम जाएंगे, देखते हैं भाई को। मैं तो मेरा ऑप्शन है थार, मैं थार ही बोल रहा हूँ उसको लेने के लिए। और भाई का जो टेस्ट हो देखते हैं। मगर हाँ आज आए हैं ऑलमोस्ट, ये अनंतपुर 80 किलोमीटर्स दूर है मेरे होम टाउन से, तो कुछ ना कुछ तो करके ही जाएंगे यहाँ से। बाल अगर अच्छा है, अच्छा है, अच्छा दिख रहा है। चलिए शोरूम की तरफ निकलते हैं। हाँ भाई का भी हो गया है, चलो निकलते हैं। हम आ चुके हैं फ्रेंड्स महिंद्रा शोरूम को। भाई गया वहाँ पे पार्किंग पूछने के लिए, पार्किंग देख के उस हिसाब से गाड़ी पार्किंग करेगे। पार्किंग हमारे वहाँ पे दे दिया पार्किंग रोड के बीच में। ना स्कॉर्पियो ना गाड़ी आ रहा है। चलो अंदर चलते हैं, अंदर जाके देखते हैं। वेटिंग फॉर द सेल्समैन। ఇట్లా క్రాస్ చేసినా రాబక పోకుండా బ్రో రివర్స్ గేర్ ఎట్లా పైకి ఎత్తాలి లెఫ్ట్ ఎత్తాలి పైకి లిఫ్ట్ చేసి ఎట్లా ఉన్న మౌల్ చేస్తే ఫస్ట్ గేర్ బుల్లెట్ అంట సార్ ఆయన సాఫ్ట్వేర్ అంట హాలిడేస్ అని ఊరికి పోతాను నన్ను ఓవర్టేక్ చేసి పోయి బండి స్కిడ్ అయ్యి లారెట్ నిమ్మకాయ పడినట్టు పడిందట తలకాయ టైర్ కింద బుల్లెట్ బండి బెంగళూరు నుంచి ఇది హైదరాబాద్ బెంగళూరు పోతాడేమో ఆనందం అయిపోయింది స్కూటర్ పిల్లలకి మంచి లైఫ్ చూడు డబ్బాలు పెట్టారు సార్ వాళ్ళు వాడు ఆ పనులన్నీ ఓవర్టేక్ చేయాలని ఇట్లు వచ్చి ఆ ఎడ్జి పోయి బండి కిందికి దింపుదామని చెప్పి బండి స్కిడ్ జారి అట్లా కింద తలకబెట్టి పడితే బొట్టు రాదు సిమెంట్ లారీ అది కాదు కంటే అది ఏమో కూర్చుంటారా ఏ ఆగిపోయినా ఇంకా పనులన్నీ ఇంకా 4 గంటలు వచ్చి అట్లా దూర్చుకుంటూ వచ్చిన ఆడవాళ్ళు అంటే 10:30 మేము ఇంటికి వచ్చాము అవునా 2 కిలోమీటర్లు నాన్ స్టాప్ కార్లు పనులన్నీ నిలిచిపోయి సార్ కార్లోని ఇన్నర్లు వచ్చిండ్రి నరసింహారెడ్డి అన్న సీఓ సార్ డ్రైవర్ సార్ రాలేదా ముగ్గురు కార్లో వచ్చారు క్లచ్ చాలా లాంగ్ ఉంది కదా సార్
సరే సార్ गाड़ी स्मूथ नहीं है ना। हाँ सेकंड जिन्हें ऐसे कि सीटा जिन बोस्ती से हमरा सीटा खूब छोटो सीट छोटा है बैकरेस्ट बाला से तुम्हारे मतलब ड्राइविंग पोस्चर जो है वो ठीक नहीं है मतलब ज़्यादा देर अच्छा थाइस थाइस सपोर्ट नहीं है लंबा सपोर्ट नहीं है मतलब ज़्यादा देर बैठ के ड्राइव करने का ऐसा नहीं है मतलब सीट कम्फर्ट कम है थोड़ा और मेरे को कैसा लगा ना बहुत क्लच बहुत लॉन्ग है मतलब टोटल लॉन्ग तक मेरे को लेना पड़ रहा है मेरे को ड्राइविंग अच्छा लगा और थोड़ा वही थोड़ा ये था ऑटोमेटिक में तो प्रॉब्लम नहीं आएगा तो मैनुअल चला है टेक्नोलॉजी अलग है ये बरतने का यूजेस अलग है कार अलग है तो ऑटोमेटिक सही रहेगा ऑटोमेटिक ही सही रहेगा ब्रो थार चलाया आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा लगा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत रफ था गाड़ी और कंफर्ट नहीं है और फर्स्ट गियर और सेकेंड गियर में थोड़ा सा गाड़ी अच्छा लगा कि किसी भी कंडीशन में चला सकते ऑफ रोडिंग गाड़ी है तो आउट ऑफ 10 आप कितना मार्क देंगे 6 to 7 इसके बीच अच्छा ड्राइविंग पोस्टर उतना अच्छा नहीं था सीटिंग ना फुल रगड़ टाइप का अच्छा ना बाहर से जैसा दिखते हैं अंदर से उतना नहीं है अगर और बाहर से देखना है तो ठीक है बहुत अच्छा गाड़ी है प्रेजेंस है रोड प्रेजेंस है लेकिन जब अंदर जाओगे लगेगा कि एक पुराना सा पुलिस गाड़ी में बैठे हो पुलिस गाड़ी का तो मालूम पड़ा अंदर से पुलिस गाड़ी है मैंने उठा है ना पुलिस गाड़ी कैसा लगा अंदर पुलिस कैसा कैसा बोलो पुलिस गाड़ी में मेरा अंकल का गाड़ी है उसमें भी उठा मैं वो भी जीप है ये भी जीप है तो सेम लगा मुझे ऑलमोस्ट सेम लगा और मैंने भी ड्राइव किया था मेरे को उतना खास नहीं लगा जैसे मैंने बोल रहा था उसका जो क्लच है ना बहुत लॉन्ग है मतलब उसका टेक्नोलॉजी मालूम नहीं बड़ा नॉर्मल यूसेज का ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि बहुत लॉन्ग है मेरे से ना चल पाई मेरे से ना हो पाई हमसे ना हो पाए और ओवरऑल मेरे को ड्राइविंग अच्छा लगा मतलब थोड़ा डर रहता था नया गाड़ी है ना खुद का गाड़ी अलग है और टेस्ट ड्राइव अलग रहता है फिर भी चलो ठीक है आउट ऑफ 10 अगर बोलोगे तो मैं 5 ही दूंगा क्योंकि मेरे को उतना बढ़िया नहीं लगा जो मन में था कि थार कार नहीं है हाहाकार है तो मेरे को हाहाकार नहीं लगा और 700 का तो बात अलग है मगर हाँ भाई के साथ का भी एक ओपिनियन लेंगे 700 का देखते हैं उसको भी टेस्ट ड्राइव के लिए वेट कर रहे हैं आने दो और इसके बाद हम जाएंगे टाटा शोरूम में टाटा में सफारी का भी देखेंगे क्योंकि मेरा गाड़ी आने के लिए थोड़ा लेट हो रहा है भाई को भी एक गाड़ी लेना है थार लेने का प्लान था मगर थार देखने के बाद उसको मन उठ गया है तो एक बार हैरियर और सफारी ट्राई करेंगे देखेंगे कैसा लगता है उसके बाद कुछ ना कुछ डिसाइड करेंगे चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना फ्रेंड्स आपके लिए मेरे लिए करिए दुआ करिए हाँ फॉर्च्यूनर भी चलाएंगे आज बाइक कहाँ कर रहा हूँ लाइक शेयर एंड कमेंट करिए फ्रेंड्स को याद करना चाहिए कभी कभी बोलना चाहिए वो साइड में जो थम्स अप बटन उसको भी लाइक करना साइड में रेड कलर का सब्सक्राइब भी कराते ना उसको भी सब्सक्राइब करना या वाइट कलर में दिखेगा भूलना नहीं फ्रेंड्स करना ज़रूर ठीक है वीडियो देखते रहिएगा स्किप कर करके नहीं आहिस्ता आहिस्ता स्लोली देखिएगा రన్నింగ్ లోనే జాప్ బోర్డు కొట్టచ్చా జూమ్ బోర్డు చేంజ్ జూమ్ పెట్టండి
पुरो पुरो जावे ना ना हां 80 की जावे दाड़ी ओरिजिन अंत दाड़नो जाए हां ఇంకా మధ్యలో నుంచి ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ మంచిది పనరామిక్ నా ఆటో హోల్డ్ అనే మనం మూవ్ అయితేనే ఇది అవుతుంది కదా अभी हम टाटा मोटर्स आ चुके हैं। टाटा मोटर्स इसलिए आए कि सफरी का टेस्ट ड्राइव ले सकें और हो सके तो हैरियर भी, ये दो गाड़ी का देखने के बाद आपको डिटेल रिव्यू करेंगे। हम दोनों का पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा जो गाड़ी के ऊपर, भाई तो 700 का फैन बन चुका है, तो उस बारे में गाड़ी में बात करेंगे। पहले सफरी का हैरियर का देख लें, उसके बाद देखेंगे। गाड़ी ओवरऑल अच्छा था, मगर ये ओल्ड गाड़ी था ना, टेस्ट ड्राइव निकलता तो उतना
दारुण दारुण पादिच्ची तोड़च्चे मैंने ए जिनिस डा वही गाड़ी थी सिलो कुछ और ही चीज़ हाँ हाँ मस्ती वाली पादिली में देख बॉडी डर बिसन मत दे मत दे सामान्य मत दे चलामी नहीं ना ना हम बुझ दे बाती से था हमार ये ऑटोमेटिक ओपन था ही तो ऑटोमेटिक क्या ना ओपन था तो नाली के मने ही ऊपर सुपर ओल्ड मॉडल है इतना सी ये सामने न्यू मॉडल का फेस वन ही नहीं बड़ा मत्ता वन्ने वेंटेड है ये सीट मंदर अन्य फ्रंट बैक दिन ले वेंटेड ले रहे हैं दिन ले रहे हैं पुराने जानते मन स्पेशियस आसे पीछे ने सारे ये पक्का हुआ था आधा साइड का बस साइड वाले से रोड में निकल पड़ा खड़े हो चलो ऑफ रोड करना तो ऑफ रोडिंग को करा जाए गाड़ी थी ఆఫ్రోడింగ్ చేయొచ్చు నా ఆఫ్రోడ్ చేయొచ్చు దీనికి మోడ్ వస్తుంది ఇట్టే మన ఇది గ్రౌండ్ ప్రెజర్ అంతా మనకి ఫీల్స్ మీద ఉంటుంది అచ్చా అచ్చా షేక్ అవుదా వెహికల్ యది 5 సీటర్ నిదే తో తుమే ఈ గాడి నితే మన యా ఆఫ్రోడింగ్ నికి సూపర్ ఉంది పెద్ద హడల్స్ తప్ప చిన్న చిన్న అవసరం అర్థమే ఆ ఇందాక ఎనకల్ పోయింది అది పెద్ద హడల్ అది అంటే బ్యాలెన్స్ చేసింది ఒత్త హడల్ నే అంటే ఆల్మోస్ట్ 70% బ్రేక్ రన్ లా హా జర్క్ నై ఆ ఇకొచ్చి షట్ ఇది టాప్ మోడలా సే థారత్తిక బాల ఆ థారత్తిక మెయిన్ థార్ కన మెయిన్ కదా ఇదే లగ్జరీ ప్లేస్ ఆఫ్ రోడింగ్ రెండు స్నో చేంజ్ కావాలా ఇది బ్రిస్టోన్ టైర్స్ ఏం బ్రిస్టోన్ సార్ వ్యవస్థ
సఫారీ కూడా ఇంతనా లేదు ఇది ఒకటి ఇట్లా సేమ్ ఇది మోనోకాకు లాంటి లెడర్ ఉంటుంది మా ఓకే ఓకే drive mode activated raja sara meechen jaisal leda ardha ayyunda appude malli capacity nu ardha ayyundi तो फ्रेंड्स शोरूम वगैरह सब कुछ हो गया वहाँ पे ही आनंदपुर के पास मेरा फूफा का घर है वहाँ पे गए थे वहाँ पे जाके तो खाना पीना पी लिए दोनों मिलके मस्त खाए बिरयानी खा के अभी वापस घर निकल रहे हैं। तो आज का पूरा दिन में जो व्हीकल्स हमने देखे पहले तो 700 का मेन रीज़न था देखने के लिए थार जहाँ बाहर से दिखने में जितना अंदर अच्छा नहीं लगा बाइक को भी सो आउट ऑफ 10 5 दिया था आपको तो बोले और 700 अच्छा था मगर आज जो गाड़ी टेस्ट ड्राइव किए थे उसमें थोड़ा लैगी लग रहा था मतलब अंडर पावर लगा पहले दिन जैसा चलाया था वैसा नहीं लगा भाई को मतलब मैं ही चलाया था मेरे को भी सेम ऐसा लगा भाई को तो अंडर पावर लगा तो 700 ही चॉइस हुआ है मगर देखेंगे क्या होता है मगर हाँ हैरियर आज फाड़ के रख दिया हैरियर सीरियसली उसका जो टॉर्क था जो पावर था सिंपली ऑसम क्या ब्रो। सो हैरियर का कितना मार्क दोगे आज ओवरऑल गाड़ियों का कितना कितना रेटिंग दोगे आज कार का सिक्स रेटिंग दूंगा मैं और एक्सयूवी का ऑटोमेटिक है ना मुझे मैं पहली बार चलाया ऑटोमेटिक तो मुझे उतना समझ में नहीं आया लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो आउट ऑफ दीज कार्स आई वुड रेट 9 out of 10 टेक्निकली इंजन के तरफ से नहीं और अगर हैरियर तो भाई टाटा का क्या कहना हैरियर का इंजन इतना अच्छा है मतलब गाड़ी में जो भी वो गाड़ी को ड्राइव करेगा उसका हार्ट बीट ना ब्लास्ट हो जाए इतना अच्छा था यार बहुत अच्छा था हमें भी मतलब हैरियर का बहुत बहुत अच्छा लगा मतलब हैरियर का बूस्ट बम सा आ जाएगा टाटा का मोटर टाटा का गाड़ी सिंपली ऑसम। चलो गाड़ी ट्रेन चला गया गेट उठ रहा है चलिए घर जाके बात करता हूँ। तो फ्रेंड्स घर वापस आ गए आज का दिन बहुत बढ़िया था बहुत सारे गाड़ी चलाए जो गाड़ी देखने गया था उसको तो कम हुआ मगर जो गाड़ी नहीं देखना था जो मन में नहीं था वो गाड़ी पसंद आ गया हैरियर सुपर्ब सिंपली ऑसम ऑटोमेटिक जो वेरिएंट है हैरियर का ZXO सब प्लस समथिंग ऑप्शन है ऑटोमेटिक वर्जन था उसका भाई ऑफ रोड का जो ऑप्शन है गाड़ी का गूज बम्स देता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ टिल देन पीस।